नमस्कार, ज्ञानदीप चैनल उपर आपण मानक स्वागत। आज आम सर्प मान विषय कि रोचक तथ्य विषय जाणवा, जमीक सर्प मान संपूर्ण जीवन एवं सर्पदंशन काल प्रभाव विषय। यही सबुर ज्ञान थिले आम सर्पदंशन मुक्त रही पारिबा। यही सबु तथ्य भविष्य पुराण संग्रहित होई। थरे महर्षि गौतम महर्षि कश्यप को पचारिले, हे मुनिश्रेष्ठ, सर्प मान लक्षण जाति वर्ण एवं स्वभाव किभली होता है, विस्तार प्रभाव विषय किछि कहंतु। सर्प मान प्रजाति रे स्त्री पुरुष एवं नपुंसक सर्पंकर लक्षण कौन? गौतम ऋषि प्रश्न शुणी महर्षि कश्यप कहती, हे मुनिवर, ज्येष्ठ एवं आषाढ़ मासरे सर्प माने संबंध स्थापन करती। वर्षा ऋतुर जो चारिमास रही थाए से ही चारिमास सर्पिणी साप गर्भधारण करिथाए। कार्तिक मासरे स्त्री सर्प गोटे थर में 240 कोटी अंडा को जन्म दिए एवं ता मध्यरु किछि अंडा को से निजे भोजन रूप से ग्रहण करनीए। प्रकृति माता कृपा कारण किछि अंडा एपट सेपट हो बंची रही जाए। यह हेउछि प्रकृतिर नियम। जदि एमिति न हुए तेबे एही पृथ्वी रे केवल सर्प माने ही बास करिबे। स्वर्ण आभाजुक्त अंडारे पुरुष सर्प रही थाए एवं स्वर्ण गारजुक्त अंडारे स्त्री सर्प रही थाए। हलदिया पुष्प समान अंडा मध्यरे नपुंसक सर्प रही थाए। बंची जाइथिबा अंडा को सर्पिणी 6 मास पर्यंत सुरक्षा दिए। 6 मास परे अंडारु बाहरिबा क्षणी सर्प मानंकर रंग कला हो जाए। अधिकांश साप मानंकर आयुष 120 वर्ष होइथाय। एमाने 8टी कारणरु मरि जांती। मयूर द्वारा, मणिष द्वारा, चक्कर पक्षी द्वारा, बिलेई द्वारा, नेउळ द्वारा, घुसुरी द्वारा, बिच्छा द्वारा, विशालकाय जीव मानंक पादरे दळी होई। जदि एही सबुथुरु सर्प माने बंची जांती तेबे माने 120 वर्षरु मध्य अधिक समय बंची रुहंती। जन्मर 7 दिन परे साप मानंकर दांत उठे एवं 21 दिन रे साप माने विष धारण करंती। साप काहाकु कामुडी हेपार तुरंत परे निजर माढ़ीरु तीक्ष्ण विष को बाहर करे। सर्पिणी सहित जो साप बुलुथाए ताकु बाळ सर्प बोली कुहा जाए। जन्मठारु 25 दिन रे साप माने निजर विष द्वारा गोटे मणिषर प्राण को मध्य हरण करि पारंती। सर्प माने प्रति 6 मास रे काती छडाई थांती। साप मानंकर 240 टी पाद रही थाए। एही पाद एते सूक्ष्म होई थाए कि याकु खाली आखिरे देखिबा असंभव। साप मानंकर गोटे मुह 2टी जीभ 32 टी दांत ता बादे भीषण विषयुक्त 4टी बड़ दांत रही थाए। यही 4टी बड़ दांतर नाम मध्य रही। क्रमशः प्रथम दांतर नाम हेउछि मकरी, द्वितीय दांतर नाम हेउछि काली, तृतीय दांतर नाम हेउछि कालरात्रि एवं चतुर्थ दांतर नाम हेउछि जमदूति। एमानंकर देवता मध्य रही। देवता हेउछन्ति ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र एवं जम। जमदूति नामक जो बड़ दांत रही थाए से ही दांत सबुठारु छोट रही थाए। एही दांत द्वारा साप जदि काहाकु कामुड़ी दिए तेबे से ही मनीष तक्षण मरी जाए। सापंकर दांत रे सर्वदा विष न थाए। साप मानंकर डाहाण नेत्र रे विष रही थाए। एमाने क्रोध करिबा क्षणी एमानंकर विष मस्तक को उठि जाए। मस्तकरु विष प्रथमे धमनी को जाए, धमनी रु विष दांत को चढ़ि जाए एवं से ही दांत द्वारा से माने जहाँ को आघात करती से मनीषर बंचवा प्राय असंभव रही थाए। साप मानंकर जीवन एही ज्ञान समस्ते जानिबा उचित। ताहले जाई साप मानंकर विष ठारु समस्ते दूरे रही पारिबे। एबे आमे जानिबा सर्प मानंकर दंशनर किछि प्रभाव विषय। सर्प दंशनर गोटे मनीषर मृत्यु स्वाभाविक एवं सामान्यतम प्रक्रिया, किंतु आमर पुराण अनुजाई भविष्य पुराण अनुजाई सर्प मानंकर दंशनर प्रभाव विभिन्न समय रे भिन्न भिन्न होइथाय। दिन रे हेउ किंबा राति रे, रात्रि किंबा दिनर द्वितीय प्रहर को नागदय वेला कहा जाए। एही समय रे जदि साप काहाकु कामुड़ी दिए तेबे मनीषटीर बंचिबा प्राय असंभव। एही भली अष्टमी, नवमी, कृष्णपक्षर चतुर्दशी एवं नागपंचमी दिन में जदि साप काहाकु कामुड़े तेबे मनीषटीर बंचिबा प्राय असंभव।
आर्द्रा नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र, मघा नक्षत्र, भरणी नक्षत्र, कृत्तिका नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, मूला नक्षत्र एवं सत्यवीक्षा नक्षत्र। यह नक्षत्र मानकर जो मनीष को साप कामुड़ी थाए से मनीषटर मृत्यु निश्चिंत। यह नक्षत्र समय जदि कहीं विष पी दिए तेबे से कदापि बंचिबा असंभव। यह समस्त नक्षत्र एवं तिथि मानकर संजोगरे भंगा गृहरे मशाणीरे एवं सुखिला वृक्ष मूलरे जहाँ को साप कामुड़ी दिए से ही मनीष आ बंचिपारे नाही। मनीषर शरीर मध्य 108 गोटी मार्मिक स्थान रही थाए ता मध्यरे ललाट भागर हाड़, आखि, छाती, कांध, तलु भाग, ओठो एवं गुदा एही भली भावरे 12 गोटी मर्म स्थान रही थाए। एही स्थान मानंकु जदि साप कामुड़ी दिए किंबा शस्त्राघात हुए तेबे मनीषटी कदापि बंची रहिबो नाही। सत्ययुगरे ब्रह्मा अनेक नागंक सह ग्रह मानंकु सृष्टि करिथिले। प्रत्येक ग्रहंकर निज कुळर नाग रही थाए जेमितिकि अनंत नाग हेले सूर्य, वासुकी नाग हेले चंद्र, तक्षक नाग हेले भौम बा मंगल, कर्कटक नाग हेले बुद्ध, पद्म नाग हेले बृहस्पति, महापद्म हेले शुक्र, कुलिक नाग हेले शनि एवं शंखचूड़ नामक नाग हेले राहु। एही महाग्रह मानंकर निज निज कुळर नाग रहिछन्ति। एही ग्रह मानंक संजोगरे जो मनीष जातकरे काल सर्पजोग सृष्टि हुए सेही मने एही नाग मानंक द्वारा सेही मनीषर प्राण को हरण करन्ति। रविवार दिनर दशम एवं चौदह प्रहर को जमार्ध बेला कह जाए। से ही भली भाव सोमवार दिनर अष्टम एवं द्वादश प्रहर, मंगलवार दिनर षष्ठ एवं दशम प्रहर, बुधवार दिनर नवम प्रहर, बृहस्पतिवार द्वितीय एवं षष्ठ प्रहर, शुक्रवार दिन में चतुर्थ एवं अष्टम प्रहर एवं दशम प्रहर, शनिवार दिन में प्रथम, द्वितीय, द्वादश एवं षोहल प्रहर को अशुभ बेला बोली मना जाए बा जमार्ध बेला बोली कहा जाए। यही समय रे जदि काहाकु सर्पदंशन करे तेबे से मनीष आ बंची रहिबो नाही। सर्पदंशन रे पीड़ित मनीष को जदि दर्पण एवं जल रे निजर छाई देखा न जाए, जदि सूर्य तेजहीन देखा जाती, नेत्र नाली देखा जाए, संपूर्ण शरीर कष्ट एवं जंत्रणा कारण कंपिबाकु लागे, तो जानिबे से ही मनीष को काल सर्प कामुड़ी एवं तहार बंचिबा प्राय असंभव। सर्प कामुड़िले मनीषर दृष्टि उपरको हो जाए, सर्पिणी कामुड़िले मनीषर दृष्टि तळको हो जाए। यह वीडियो रे आपण माने सर्प मानंकर संपूर्ण जीवन एवं सर्पदर्शनर काल प्रभाव विषय रे जानिले एवं केउ तिथि एवं नक्षत्रर संयोग रे जदि सर्पदर्शन हुए तेबे मनीष बंची रहिबो ना नाही आपण माने से विषय रे मध्य जानिले। जदि वीडियो टी आपण मानको भल लागी थाए तेबे चैनल को सब्सक्राइब निश्चय करिवे। जदि आपण माने आमो